कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब गिस्त पेंसिल मैंने गिस्त दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टोसी, अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लो फिर रैप पर खट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज से हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट घबराइए मत, हम इसे दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज के हम वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स ओरिजिन, इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। घबराइएगा मत, ट्रिक्स की मदद से और पिक्चर्स की मदद से इस टॉपिक को मैं आपके लिए बहुत इजी बना दूंगी। लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन है पूरी वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरी वर्ल्ड की। इसको तीन नाम से जाना जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेटलमेंट इन दोनों नदियों के आसपास ही हमें देखने को मिली है। स्पेशली सरस्वती में हमको 80% लोगों की सेटलमेंट देखने को मिली है, पर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इसे हरप्पन सिविलाइजेशन कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी सिविलाइजेशन को उस नाम से जाना जाता है जहाँ पर उसकी सबसे पहले खुदाई की जाए, और हरप्पा में सबसे पहले खुदाई करी गई थी, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड नाम है इसका हरप्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1700 BC। इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उस समय के लोगों को आयरन क्या होता है ये पता ही नहीं था। उन्होंने कभी आयरन को यूज़ ही नहीं करा था और ना उसे कभी देखा था। इनफैक्ट 1922 तक हम ये सोचते थे कि इंडियन कल्चर की हिस्ट्री जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई है, बट थैंक्स टू सर जॉन मार्शल, जिनकी गाइडेंस में 1921 में एक्सकेवेशन हुआ और फिर हमें पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिससे हमारे इंडियन कल्चर की शुरुआत हुई। सर जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम सहानी ने और राखल दास बैनर्जी ने एक्सकेवेशन किया, और दयाराम सहानी ने हरप्पा की खोज करी और राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कि बताओ हरप्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। डोंट वरी, इसकी ट्रिक्स आपको आगे मिल जाएंगी, पहुँचते हम आगे। बट इससे पहले हम ये देख लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। कुछ लोग कहते ये हैं कि ये बेसिकली सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। इसका कारण ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाजू में है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया में उस वक्त थी सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो लोगों का मानना ये था कि प्रोबेबली इस सिविलाइजेशन के लोग ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग की होगी, क्योंकि दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन था। बट बाद में हिस्टोरियंस ने ये कह के क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जो इन दोनों में डिफरेंट थी। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रोबेबली आर्यंस थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी, बट ऐसा नहीं था। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरियंस ने ये एक्सेप्ट किया कि ड्रेविडियंस थे बेसिकली जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्ज़ाम में कि किसने ओरिजिन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसका जवाब रहेगा ड्रेविडियंस। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एक्सेट्रा कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर। साउथ में वो एक्सटेंड करता है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तक। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आलमगीरपुर यूपी में, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतने कंफ्यूजिंग नेम याद कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ऊपर से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज जब आप मूव करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, MADS।
तो ट्रिक बन गई मैड्स। ये वर्ड आप याद रखिएगा, आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा कि कौन से ऑर्डर में ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट थे। फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि कौन सी नदी है इस पर्टिकुलर जगह में। तो नॉर्थ में मांडा में है चेनाब नदी, ईस्ट में है हिंडान नदी, साउथ में है गोदावरी और वेस्ट में है दास रिवर। कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। इस सारे वर्ड्स को मैं आपको एक वर्ड में आपको इजी बता दूंगी, वो वर्ड है चिंगोड़ा। अब आप बोल रहे हो भाई ये कैसा वर्ड है, इसका हम क्या करेंगे। तो भाई ये कि सी से चेनाब, एच आई एन से हिंदान, गो से गोदावरी और दा से दास्क। तो देखा आपने कैसे एक वर्ड से आपको ये चारों वर्ड आसान लगने लगे याद करने पे, इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट है क्या मैड्स और चिंगोड़ा। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में। यूपी में दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि हमको याद रखनी हैं, वो हैं आलमगीरपुर और बरगांव। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही साइट्स हैं जितनी आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम उसी पे फोकस करेंगे। तो यूपी में है आलमगीरपुर और बरगांव। अब इसकी ट्रिक ये है कि यूपी के बार में आलम गिर गया, यूपी बार से बारगांव, आलम से आलमगीरपुर, थाना कितना इजी। नेक्स्ट है सिंध की इम्पॉर्टेंट साइट्स जो कि हैं आमरी, चानहूद्रो, कोटदीजी और मोहनजोदारो। तो ऐसा है कि सिंध का एक लड़का था, ठीक है, वो बहुत अमीर था, उसका नाम था मोहन। अब वो इतना अमीर था कि वो चांद पे चला गया क्या कोट पहनकर। यही तो हमारी ट्रिक है, सिंध का अमीर मोहन कोट पहनकर चांद पर चला। सिंध से आपका सिंध है, अमीर मतलब आमरी, मोहन मतलब मोहनजोदड़ो, कोट से आपका रहा है कोट दीजी और चांद का है चानहूद्रो। एक दो बार इस सेंटेंस को बोलेंगे आपको सेंटेंस के साथ साइट और उसके स्टेट्स भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में है बाबरकोट, भागतराव, लोथल, सुरकोद्दा, धौलावीरा और रंगपुर। इतनी सारी साइट्स हैं ना, इसको भी इजी बना देते हैं। तो भाई गुजरात में थे एक बाबा, उन्होंने भांग पी ली और वो सड़क पर लोट लगा दिए, और सड़क पे लोट लगाने के बाद उनके कपड़ों में इतना रंग लग गया कि वो धुला ही नहीं। यही है हमारी ट्रिक, गुजरात के बाबा ने सड़क पर लोट लगा दी, रंग धुला नहीं। गुजरात हमारा स्टेट है, बाबा बाबरकोट, सड़क मतलब सुरकोटदा, लोट का मतलब है लोथल, रंग मतलब रंगपुर और धुला का है धोलावीरा। और आपको याद होगा कि बाबा ने क्या पी के लोट लगाई थी, भांग पी के, तो भांग से क्या हो गया भागात्राव। फिर हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान की इम्पॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। अब राजस्थान में आपने देखा होगा कि लड़कियां काली काली चूड़ियां पहनती हैं, तो इसको याद करना तो बहुत ही आसान है, काली चूड़ियों से कालीबंगन और राजस्थान उसका स्टेट। हरियाणा में दो इम्पॉर्टेंट साइट है, वो हैं बनावली और राखीगढ़ी। तो एक लड़का था, वो हरियाणा गया और वहाँ पे उसने एक लड़की से राखी बंधवा ली। तो ट्रिक है हरियाणा में राखी बंधवाली, राखी से हो गया राखीगढ़ी और बंधवाली से हो गया बनावली। और महाराष्ट्र तो हमने पहले ही देखा था, सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो महाराष्ट्र में है दायमाबाद। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वो ये बोल सकते हैं, कोई चार साइट्स दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से गुजरात में कौन सी है, सिंध में कौन सी नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सी साइट है। वो पूछ सकते हैं बताओ कालीबंगन इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि काली चूड़ियाँ कौन पहनती हैं, राजस्थान की लड़कियाँ, और आप आंसर सही दे जाएंगे।
एक और फैक्ट है यहाँ पे, गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आपको दिख ही रहा है कि इम्पॉर्टेंट ही इतनी सारी हैं, तो मिली कितनी सारी होंगी वहाँ पे। तो गुजरात सबसे ज़्यादा साइट्स मिलने वाला स्टेट है। अब हम इनमें से कुछ साइट्स की डिटेलिंग देख लेते हैं। अब एग्ज़ाम में ये पूछेंगे कि बताओ भाई साइट कौन सी है, उसका उत्खनन किसने किया, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है और उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट हमको मिला। अब भाई खुदाई करी है तो क्या पानी निकालने के लिए थोड़ी करी होगी, कुछ मिला होगा, कोई चीज़ें मिली होंगी, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिली और वही चीज़ें हमको याद करनी है। सारी नहीं करनी, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद करनी ज़रूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने। मैंने आपसे ऊपर बोला था मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी, देखते हैं। रिवर है इसकी रावी, लोकेशन है पंजाब पाकिस्तान वाला, और ग्रैनरीज मिली हैं यहाँ पे। ग्रैनरीज क्या होती हैं? ग्रैनरीज ऐसी जगह होती है जहाँ पर अन्न को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा में आ रहे हैं, रिवर में रावी मतलब इसमें भी आ रहे हैं और दयाराम में भी आ रहे हैं, तो ये आ रहे का खेल आपको ये सब कुछ याद करा देगा। फिर हम बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में। अब पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडस नदी, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, उसके आसपास कौन सी साइट्स हैं। मोहनजोदड़ो, चानहुद्रो और कोटदीजी। अब भाई याद कैसे होंगी, इतनी सारी साइट्स हैं, इतना कन्फ्यूजन है, कहाँ से याद होंगी। तो उसके लिए एक कहानी है। भाई मोहन था, उसको चांद पे जाने का मौका मिल गया। भाई वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसने बोला अब तो मैं नहा धो के मस्त अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा चांद पे। तो ट्रिक ये है कि मोहन सिंधु नदी में नहाकर कोट पहनकर चांद पर गया। मोहन सिंधु नदी में नहाकर कोट पहनकर चांद पर गया। यहाँ मोहन का मतलब है मोहन जोदड़ो, सिंधु नदी हमारी इंडस नदी को कहते हैं, और नहाकर कोट पहनकर मतलब कोट दीजी, चांद पर गया मतलब चानहुद्रो। तो मोहन से हो गया मोहन जोदड़ो, कोट से हो गया कोट दीजी और चांद से हो गया चानहुद्रो। अब हम वापस आते हैं मोहन जोदड़ो पे। तो मोहन जोदड़ो की खोज की थी आरडी बनर्जी ने, वो था इंडस नदी के किनारे, सिंध पाकिस्तान उसकी लोकेशन है, और वहाँ पे हमें क्या इम्पोर्टेंट मिला है। ग्रेट ग्रैनरी मतलब अनाज स्टोर करने वाली जगह, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ ऐसी बिल्डिंग होती थी जहाँ पे लोग कलेक्टिवली आके नहाया करते थे फॉर सम स्पिरिचुअल पर्पस। और हमें मिली थी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मैं नीचे आपको फ़ोटो दिखाऊंगी उसकी, पशुपति महादेव की सील और एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन। अब भाई याद कैसे होगा, ट्रिक देख लेते हैं भाई। तो मोहन जो था, मोहन बनर्जी नाम था उसका, वो था बहुत ही रिलीजियस पर्सन भाई। उसको तो हर रोज़ मतलब टेंपल में जाना है और अनाज दान करना है, तो यही तो ट्रिक है भाई। मोहन बनर्जी नहा धोकर अन्न लेकर महादेव के पास गया। तो मोहन से क्या हो गया अपना मोहन जोदड़ो, बनर्जी से हो गया राखलदास बनर्जी जिसने मोहन जोदड़ो की खोज की। नहा धोकर अन्न लेकर मतलब नहाया मतलब क्या है, ग्रेट बाथ, और अन्न क्या है, ग्रेट ग्रैनरी, लेकर महादेव के पास गया। महादेव, पशुपति महादेव की सील मिली थी कि नहीं, तो महादेव की सील मिली इसलिए महादेव के पास गया। अब महादेव के पास तो रहती है दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी, तो इसलिए बियर्डेड मैन भी कहाँ से मिला, मोहन जोदड़ो से। मोहन जोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इंसान वहाँ पे था, जो भी बिल्डिंग थी, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ज़मीन में गड़ गई थी, तो इसलिए उसे कहते हैं माउंट ऑफ डेड। एग्ज़ाम में आया है भाई, देख लो, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं चानहुद्रो पे। चानहुद्रो के उत्खनन करता है एनजी मजुमदार, और रिवर है इंडस, लोकेशन है सिंध पाकिस्तान। मिले हैं हमें वहाँ से ईंट के टुकड़े जिस पे कुत्तों के पंजों के निशान थे और एक बीड मेकर की शॉप। याद कैसे करेंगे भाई, तो हमने बोला था ना कि मोहन जो है वो तैयार होके चांद पे चला गया था,
तो चांद पर जब वो पहुंचा तो उसे तो भाई मजा आ गया, देखो बिल्कुल ठीक है। तो चांदहुद्रो को क्या आ गया, मजा। मजा मतलब एनजी मजुमदार था ना, कितना इजी इजी बनाना पड़ता है यार, इतनी सारी चीजें ऐसे थोड़ी याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं लोथल पे, ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद है ना, आपको भी सुनाऊंगी। लोथल के उत्खनन करता है एसआर राव और नदी है भोगावा, लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात। और यहाँ से हमें मिला क्या था, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड वो जगह होती है जहाँ पे शिप को बनाया जाता है और उसकी रिपेयरिंग करी जाती है। यहाँ पे हमको मिला डबल ब्यूरियल, डबल ब्यूरियल मैं आपको फ़ोटो में दिखाती हूँ, ये है डबल ब्यूरियल जहाँ पे मेल और फीमेल को एक ही कब्र में दफना दिया जाता है। और ये होता है पॉट ब्यूरियल जहाँ पे इंसान को पॉट के अंदर रख के पॉट को दफना दिया जाता है, ठीक है। अब आए हैं तो ये भी देख लेते हैं, ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि हमको कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। और यह है पशुपति महादेव की सील, ये भी कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। वापस आ जाते हैं अपने काम पे। तो ऐसा है कि एक लड़का था, होली का समय चल रहा था तो थोड़ी भांग पी ली उसने, भांग पी के वो पहुंच गया डॉकयार्ड के पास। और डॉकयार्ड कहाँ था, चावल के खेत के किनारे। और आपने देखा होगा जो भांग पी लेते हैं वो हंसते हैं तो हंसते ही रह जाते हैं और रोते हैं तो रोते ही रह जाते हैं। तो ट्रिक ये है कि भांग पीकर डॉकयार्ड के पास चावल के खेत में लोटपोट होकर रोए, भांग पीकर डॉकयार्ड के पास चावल के खेत में लोटपोट होकर रोए। भांग से होता है भोगावा, ठीक है। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के हमें साक्ष्य मिले थे, चावल, चावल के भी साक्ष्य मिले थे, लोट, लोट मतलब लोथल, रोए मतलब राव। उत्खनन करता कौन है लोथल के, एसआर राव। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे, एविडेंस कहाँ मिले थे चावल के, लोथल। याद रख लेना भैया, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे, लोथल में, ठीक है। अब हम आते हैं कालीबंगन में, ठीक है। कालीबंगन की खोज किसने की, एक होश बीवी लाल बी के थापर ने। नदी है घग्गर, लोकेशन है हनुमानगढ़ राजस्थान में। मिला क्या है यहाँ पे, कैमल की हड्डियाँ, मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील और ईंट, ठीक है। ट्रिक देखते हैं, अब ट्रिक में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, मुझे बताने में, ठीक है, ट्रिक देखते हैं। अब बनवाली नाम की लड़की थी, बनवाली इसलिए क्योंकि आगे हम बनवाली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बनवाली नाम की लड़की थी, राजस्थान की लड़की थी। राजस्थान की लड़की मैंने पहले ही बताया क्या पहनती है, घाघरा और चूड़ियाँ, है ना। तो बनवाली ने घाघरा चूड़ी पहनकर घोष नाम के लड़के को थप्पड़ मारकर लाल कर दिया, यही ट्रिक है। बनवाली का मतलब है बनावली और घाघरा नदी में स्थित है कालीबंगन और बनावली। और चूड़ी का सेंस मैं आपको बता दूं क्या होता है, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, याद रखिएगा, कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काली चूड़ियाँ। तो भाई चूड़ी से आपको याद आएगा कालीबंगन, थप्पड़ से याद आएगा आपको बी के थापर, लाल से याद आएगा आपको बीवी लाल। और किसको लाल किया भाई थप्पड़ मार के, घोष को किया, तो घोष से याद आएगा आपको ए घोष। और बनवाली की बात हमने पहले ही कर ली थी कि बनवाली कहाँ था, घग्गर नदी के किनारे। तो ये इसी के साथ हमारी आगे की ट्रिक भी पूरी हो गई एक ही ट्रिक में, है ना। अब बनवाली की तरफ आते हैं, बनवाली की खोज की थी आर एस बिष्ट ने, जो कि कहाँ था, घग्गर नदी के किनारे, फतेहाबाद हरियाणा में। और यहाँ पे बार्ले कल्टीवेशन हुआ था, भाई ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना राइस था लोथल के लिए, बार्ले एग्जाम में आता है भाई, ध्यान रखना। अब याद कैसे करेंगे भाई, याद ऐसे करेंगे, बी फॉर बनवाली, बी फॉर बिष्ट और बी फॉर बार्ले, हो गया ना, बी बी बी, बस
हो गया याद। इतना टेंशन नहीं लेना, हर चीज की ट्रिक होती है, बस बनानी पड़ती है ना। फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज की जेपी जोशी ने। ये था लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में, और यहाँ पे मिला है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वॉयर और स्टेडियम। अब वाटर रिजर्वॉयर क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है, बता दूँ मैं, यहाँ पे पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है, उससे खेती कर सकते हैं और अन्य दिनचर्या के काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर रिजर्वॉयर कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। अब लॉकडाउन ना ख़त्म हो गया था, ठीक है, स्टेडियम दोबारा खुल गए थे, मैच दोबारा स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो भाई लड़का बहुत एक था जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, वो जोश में धुले कपड़े पहनकर स्टेडियम पहुंच गया। यही तो ट्रिक है, जोश मतलब जेपी जोशी, धुले मतलब धौलावीरा, और स्टेडियम हमको यहाँ मिला था खोज के दौरान। और जब धुले कपड़े हैं तो उसने धोए कहाँ से हैं भाई? वाटर रिजर्वॉयर से। तो धुले से याद आ जाएगा आपको वाटर रिजर्वॉयर कहाँ मिला था हमको? धौलावीरा में। अब आते हैं हम सुरकोतदा में। सुरकोतदा के एक्सकेवेटर हैं जेपी जोशी, और ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, कच्छ गुजरात में एग्जिस्ट करता है, और बोन्स ऑफ हॉर्सेस और पॉट ब्यूरियल्स आपको मिले हैं यहाँ पे। अगेन ज़रूरी ये है कि भाई घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? सुरकोतदा से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं बच्चों? सुरकोतदा से। बहुत इंपॉर्टेंट, घोड़े की हड्डियाँ सुरकोतदा। तो आज की क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको सब कुछ याद हो गया होगा, पर जाने से पहले क्वेश्चंस तो बनते हैं भाई, इतना पढ़ाया है, क्वेश्चंस का जवाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है, जवाब आप ही देना है, ठीक है, जवाब देना आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइएगा। विच मेटल इज अननोन टू इंडिया? जवाब दीजिए। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कौन सा मेटल नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को? जवाब है आयरन, क्योंकि वो थी ब्रॉन्ज एज, आयरन उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। दूसरा है, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड एट? भाई दाढ़ी वाले आदमी का स्टैचू कहाँ मिला था उनको? कहाँ मिला था बताइए, बताइए, सोचिए ज़रा। मोहनजोदड़ो में। मोहन कहाँ गया था भाई? महादेव के पास गया था। महादेव के क्या पास क्या थी? दाढ़ी थी। ट्रिक याद है ना, आ रही है कुछ कुछ, याद आ रहा है दिमाग में। तो बियर्डेड मैन का स्टैचू कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अब हम बात करते हैं कि हरप्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्या ट्रिक बताई थी, कुछ याद आ रहा है? अरे भाई बताया था ना, आर ए, हरप्पा का आर ए और रावी का आर ए। तो हरप्पा किसके किनारे है? रावी के किनारे। अब लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज? माउंड ऑफ लिविंग, सर्वाइवर, डेड या ग्रेट? याद कीजिए, याद कीजिए। क्या बताया था? सब कुछ दफन हो गया था, बिल्डिंग्स, इंसान, सब कुछ, तो माउंड ऑफ डेड। अब आता है, विच साइड गिव एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड? भाई ये तो बहुत ही फनी ट्रिक थी, ये तो आपको याद होनी चाहिए भाई, याद है कि नहीं? डॉकयार्ड के चावल के खेत में लोट पीट हो गया था भांग पी के। लोट पीट मतलब लोथल, तो डॉकयार्ड का एविडेंस कहाँ से मिला है? लोथल से। अब हम आते हैं कि मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाय? किसने किया था मोहनजोदड़ो डिस्कवर? मोहन बैनर्जी नाम का लड़का था ना एक, तो कौन इसका आंसर? आर डी बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉकयार्ड ऑफ लोथल कौन सी नदी से कनेक्टेड है? सोचिए। जी हाँ, भोगावो नदी। डॉकयार्ड ऑफ लोथल भोगावो नदी से कनेक्टेड है। अगर आपको मेरी ट्रिक याद है तो मैंने क्या बताया था कि भांग पी के लौट गया, तो भांग से याद आ गया आपको भोगावो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।